नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए सेंट्रल टीईटी जो 8 दिसंबर 2019 को हुई थी उसकी उत्तर कुंजी लेकर के आया हूँ। हिंदी की 91 से 120 और उसके बाद 121 से लेकर के और 150 तक, जो जिन विद्यार्थियों ने भाषा पहली हिंदी ली थी उन्होंने 91 से 120 हल किए होंगे, जिन विद्यार्थियों ने भाषा हिंदी को सेकंड लिया होगा उन्होंने 121 से लेकर के और 150 तक के प्रश्न हल किए होंगे। तो आज उसकी उत्तर कुंजी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत से विद्यार्थियों को समस्याएं रहती हैं जब वो आगामी पेपर देने जाते हैं तो उनके पास पिछले पेपर की उत्तर कुंजी नहीं होती, तो जो आयोग ने जारी की है उत्तर कुंजी, उस उत्तर कुंजी को मैं लेकर के आया हूँ। आपके जो भी आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनमें ये काफ़ी मदद करेगी। चलिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पेपर को मैं हल नहीं करा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपको उत्तर कुंजी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये प्रश्न देख लीजिएगा, एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, इससे आपको आंसर यहाँ पर देने होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 91 आपका दिया गया है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब आप इस पूरे को पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो इसमें आपका ऑप्शन जो यहाँ पर आ जाएगा वो आएगा आपका कला प्रकृति पर या प्रवृत्ति पर, सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। उसका 92 प्रश्न बात करेंगे, दिया है अनुच्छेद के आधार के अनुसार गणित भूगोल और इतिहास आदि विषय। तो ये आप पैराग्राफ से आंसर इसका देंगे तो इसका आंसर आएगा तर्क प्रधान है आपका। उसके बाद बात करते हैं 93 की, तो 93 प्रश्न आपका दिया है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है आपका। ये थोड़ा हल्का सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर आप 94 की बात करेंगे, तो 94 आपका प्रश्न दिया गया है, ये देख लीजिएगा, किशोरावस्था तार्किकता के प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। तो यहाँ पर जो बीच में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें आप भरेंगे पतन का रास्ता अपना रही है। उसका 95 आपका है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक और अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति आपका जो है वो इससे आपका क्या है, अलग है यहाँ पर। उसका 96 की बात करेंगे, दिया है आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो निपात यहाँ पर है भी आपका। उसका 97 की बात करते हैं, तो 97 आपका प्रश्न जो है देख लीजिएगा, दिया है विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो विकसित शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका है इत। उसका 98 प्रश्न देख लीजिएगा, 98 प्रश्न दिया है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है आपका। ये पैराग्राफ से पढ़ करके आप आंसर दे पाएंगे। उसका 99 दिया है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विज्ञान को। उसके बाद यहाँ पर 100% देख लेते हैं, 100 नंबर आपका प्रश्न, 100 नंबर दिया है कि हिम किरीट का आशय। तो देखिएगा ये जो आपका दिया गया यहाँ पर सरकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के, तो इससे आप जब पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हिम किरीट का आशय है आपका बर्फ का मुकुट आपका। उसका प्रश्न नंबर 101 देखते हैं, 101 प्रश्न आपका जो दिया गया है, 101 दिया है कि नगपति का विग्रह और समास होगा। तो रत्नों नग का पति, तत्पुरुष नगनो, और इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष आपका। उसका 102 आपका प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है 102 किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला आपका। 103 आपका दिया है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो अजय। 104 है निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, तो आपकी विसर्ग संधि है आपका। 105 है हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 106 प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन आपका। 107 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो श्रुतलेख आपका। उसके बाद 108 आपका, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार आपका पूर्णता सही है आपका। उसके बाद 109 प्रश्न आपका दिया है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, तो पोर्टफोलियो आपका ऑप्शन हो जाएगा। 110 है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो चित्र बनाना भी आपका लिखना के ही अंतर्गत आएगा। 111 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आपका, तो वो है अक्षरों की पहचान आपका। 12 नंबर 112 भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है आपकी, तो ये चमास्की जी ने कहा था आपका। उसका प्रश्न नंबर 113 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बाल साहित्य आपका। 114 है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। 115 बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है आपका। 16 आपका प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं। उसके बाद 117 आपका प्रश्न है पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किनी आंखें दोनों आदि शब्द पर लिखती है, आप कहानी आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, वह है अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। 118 विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, सेकंड ऑप्शन आपका बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। 119 है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं आपका। 120 किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना उसकी शब्दावली को सीखना, तो ये जिन विद्यार्थियों ने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया होगा उन्होंने 91 से लेकर के 120 तक हल किए थे, और जिन विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड हिंदी लिया होगा उनका जो प्रश्न की शुरुआत हुई होगी वो 121 से हुई होगी। तो चलिए आपको हम उत्तर कुंजी दे देते हैं, इसको भी पैराग्राफ से पढ़ के ही आंसर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 122 की बात करते हैं, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में भिन्न रुचियां रखते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसका दिया है पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। 123 का 24 आपका बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें, यह स्थिति सराहनीय है आपकी। उसके बाद 125 की बात करते हैं, बे उपसर्ग का प्रयोग के शब्द में नहीं किया गया जा सकता, फिजूल आपका। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, प्रतीक्षारत। 127 वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा आपका वार्षिक। 128 आपका हो जाएगा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद 129 की बात करते हैं, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और उत्पादन। 130 आपका है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं आपका। 131 है, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है आपका स्वयं गांव में जाना आपका, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न यहाँ पर 132 देख लेते हैं, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। 133 नंबर है, फर्स्ट हैंड समस्या तत्पर है आपका स्वयं के अनुभव से समझ बनाना आपका। 134 है, शिक्षित शब्द में प्रत्यय आपका इत होगा। 135 है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है आपका, तो कर्म। उसके बाद 136 की
प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो कहानी को शब्द सा दोहराना, अगर दोहरा रहा है तो इसमें कोई गतिविधि नहीं है उसकी। 137 है, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो सेकंड ऑप्शन, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। 138 है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया है? तो क्लोज परीक्षण का आपका फोर्थ ऑप्शन। 139, बच्चों में रेखांकन चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका। 140 प्रश्न देख लेते हैं, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्त्री के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, सेकंड ऑप्शन। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। 142 है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है आपका। 143 है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया था। उसके बाद 144 आपका, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत सर्वाधिक सहायक है। 145, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो आपका है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। 146 है आपका, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो, यह अभ्यास आपका उदाहरण जो है वो है संदर्भ में व्याकरण। उसके बाद 147 आपका, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में वैविध्यपूर्ण शिक्षण सामग्री सहायक होती है। 148, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य जो है वो है आपका साधन। 149 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन आपका, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णता कंठस्थ करना। उसके बाद 150 प्रश्न बात करते हैं, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो ये जो उत्तर कुंजी थी वो आपकी प्रश्न 90 से लेकर के और 150 तक के प्रश्न थे, मतलब हिंदी के सभी प्रश्न 60 प्रश्न जो 30 भाषा फर्स्ट और 30 भाषा सेकंड के थे उसकी उत्तर कुंजी लेकर के आए हैं। बाद बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, रीजनिंग की बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं। और अगर कोई भी विद्यार्थी रीजनिंग का इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करना चाहता है तो समर्पित एकेडमी कल्याणपुर स्टेशन के पीछे, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको नंबर इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, 9565445443 पर आप व्हाट्सएप करके पेपर ले सकते हैं। कोई भी सुझाव अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए जो भी बैच आपके सुपर बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं, आप लोग बैचों को ज्वाइन करके देखिएगा, बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं। जो बच्चे भी इस समय क्लास कर रहे हैं तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य देखिएगा, छोटी छोटी और उपयोगी वीडियो पड़ी हुई हैं। और बाकी जितना हो सकता है उतना आप लोगों के लिए करते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो जो नंबर अभी आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे थे उन नंबरों पर आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप लोग बस यूं ही प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दिया करिएगा, जिससे बहुत से विद्यार्थी जो इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं तो उनको भी चीज़ें मिलती रहें। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग बस यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।